तो पिछली वीडियो में हमने एंगल ऑफ बैंकिंग के बारे में बात की थी और इसके साथ साथ व्हीकल अलोंग बैंक रोड इस कंसेप्ट के बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग एमएचटी सीईटी के कुछ पीवाईक्यूज इस कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, द एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला आपको पता है, एंगल ऑफ बैंकिंग इज इक्वल टू व्हाट, टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग किस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, देखिए, ये स्पीड ऑफ व्हीकल, तो थीटा के फॉर्मूला में यहाँ पर देखिए जो है स्पीड ऑफ व्हीकल है, तो थीटा जो है एंगल ऑफ बैंकिंग वो स्पीड ऑफ व्हीकल पे डिपेंडेंट है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर पे डिपेंड है ये, और तीसरी बात यहाँ पर हाइट ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, देखिए ये एंगल ऑफ बैंकिंग जो होता है ये ऐसे होता है एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है, और हाइट ऑफ इंक्लिनेशन मतलब ये एच की वैल्यू। तो ये थीटा जो है वो एच पे भी डिपेंड करता है, भले ये उसके फॉर्मूले में ना हो एच की वैल्यू, लेकिन ये थीटा एच पे डिपेंड करता है, एच की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना थीटा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आप इसका आंसर बोल सकते हो कि एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ नन ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि ये एंगल ऑफ बैंकिंग इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है और इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा नन ऑफ द अबव, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच व्हीकल कैन सेफली ट्रेवल अलोंग बैंक रोड डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए कि द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच व्हीकल कैन सेफली ट्रेवल अलोंग बैंक रोड, तो बैंक रोड के ऊपर देखिए यहाँ पर ये जो बैंक रोड है, बैंक रोड के ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बैंक रोड के ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही होता है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, फिर उसके बाद होता है ये टैन थीटा प्लस म्यू, मैक्सिमम के लिए ऊपर प्लस, नीचे होता है माइनस, तो ये हो जाएगा वन माइनस म्यू टैन थीटा, ठीक है, ओके। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती, देखिए डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग, पहला हम लोग नीचे से ऊपर आएंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब देखिए ये वी मैक्स एंगल ऑफ बैंकिंग पे डिपेंड करता है ना, थीटा पे डिपेंड करता है, ओके, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। रेडियस ऑफ कर्व रोड, तो ये आर पे भी डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर जी एट दैट प्लेस, मतलब ये जी के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। लेकिन क्या दोस्तों, ये मैक्सिमम वेलोसिटी मास ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करता है, ये इक्वेशन जो है इसके अंदर आपको एम दिख रहा है क्या, मास दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, मास ऑफ व्हीकल, मास पे ये डिपेंड नहीं करती, ओके। कोई भी व्हीकल जाए वहाँ से, चाहे कार जाए या ट्रक जाए, उसके लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट यही होगा, ओके। वो मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है वो मास ऑफ व्हीकल पे डिपेंड नहीं करता। अब दोस्तों एक और कंसेप्ट है एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर, लेकिन ये मोटरसाइकिल के ऊपर का एग्जांपल है, ठीक है। अब दोस्तों मोटरसाइकिल के केस में क्या होता है, मोटरसाइकिल के केस में मान लेते हैं अगर रोड हॉरिजॉन्टल है, ऐसा कर्व रोड है, ठीक है, ओके, और कर्व रोड है और उसके साथ साथ ये हॉरिजॉन्टल रोड है, सामने से देखने पर ये रोड आपको ऐसा दिखेगा और ऊपर से देखने पर आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। और मान लेते हैं ये इसकी रेडियस आर है। अब अगर कोई मोटरसाइकिल वाला, मान लेते हैं ये मोटरसाइकिल वाला है, ये अगर यहाँ पर सर्कुलर मोशन करना चाहेगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, इधर झुकना पड़ेगा, ठीक है। अगर रोड टिल्टेड नहीं है, रोड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो पर्सन है इसको थोड़ा सा इधर झुकना होगा, मतलब सामने से देखने पर देखिए ये जो कार वाला है, ये जो सॉरी बाइक वाला जो है, बाइक चलाने वाला जो पर्सन है, इसको ये जो बाइक है, ये मान लेते हैं ये बाइक है, ठीक है, तो इसको ऐसे इधर झुकना होगा, वर्टिकल से ये कितना झुकेगा ना इस डायरेक्शन में, उसको हम बोलेंगे कि एंगल ऑफ लीन एंगल बोलते हैं इसको, ये उधर लीन कर रहा है, ठीक है। और जब ये बाइक चलाने वाला पर्सन लीन करता है विथ एन एंगल थीटा, ठीक है, तो ये थीटा का फॉर्मूला वही है, सेम थीटा का जो फॉर्मूला है ना वो आपको यही यूज़ करना है, टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये आया कैसे, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है, ओके, क्योंकि सिलेबस में नहीं है बोर्ड के, लेकिन एमएचटी सीईटी में ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो लीनिंग एंगल है इसका फॉर्मूला क्या यूज़ करना है आपको, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला आया कैसे आपको जानना है तो मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा अगर टाइम मिलेगा मुझे तो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सवाल है ये इस कंसेप्ट पर बेस्ड है, ओके। तो ये सवाल रीड करिए, तो मोटरसाइकिल रेसर एक मोटरसाइकिल है, रेसर मोटरसाइकिल है, ठीक है, टेक्स अ राउंड विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ कर्व रोड ऑफ रेडियस 40 मीटर, ठीक है। तो ये मोटरसाइकिलिस्ट जो है ये किस स्पीड से बाइक चला रहा है, ये बाइक चला रहा है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो रोड है उसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पर देखिए उसकी रेडियस है 40 मीटर, ओके। अब यहाँ पर क्या पता करने को बोला गया है, देखिए द लीनिंग एंगल ऑफ मोटरसाइकिल विद वर्टिकल फॉर सेफ टर्न, तो ये जो बाइक है या बाइक चलाने वाला पर्सन है इसको कितने एंगल से लीन करना होगा सेफ टर्न के लिए, वो आपको पता करना है, मतलब आपको यहाँ पर थीटा पता करना है, ओके। और जी की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके साथ साथ ये 1045 की वैल्यू भी आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है, ओके। तो सिंपली दोस्तों थीटा के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, और यहाँ से आप देखिए क्या निकलना है आपको, यहाँ पर
आपको थीटा निकालना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज पुट करने होंगे। सो थीटा इज इक्वल टू वॉट, टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर। वी, ये 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 40 इंटू जी की वैल्यू क्या होगी 10। तो ये 400 डिवाइडेड बाय 400 मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अब दोस्तों थीटा निकालना है आपको, तो ये टेन को इधर लेके आते हैं, तो टेन को अगर हम इधर लेके आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और टेन के कौन से वैल्यू में जो है, थीटा की कौन से वैल्यू में टेन 1 होता है, यहाँ पर ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये टेन 45 इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। तो ये जो ऑप्शन है कौन सा करेक्ट होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, ओके। एक और क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रीड करिए, व्हाट इज द लीस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट विच अ व्हीकल, व्हीकल मतलब एक बाइक आपको कंसीडर करनी है यहाँ पर, देखिए, कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल रोड है और इस हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर एक टू व्हीलर या एक बाइक वाला जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर टर्न मार रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए, व्हाट इज द लीस्ट रेडियस ऑफ कर्व ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, मतलब आपको वो जो रोड है, मतलब सामने से देखने पर आपको ऐसे दिख रहा है, ऊपर से देखने पर आपको ऐसे दिखेगा ना, ये पर्सन है टू व्हीलर या बाइक जो चला रहा है वो पर्सन है, ठीक है, ओके। इसकी जो रेडियस है वो आपको निकालनी है, आर आपको निकालना है यहाँ पर, और ये व्हीकल का स्पीड कितना है, देखिए वी कितना है यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर का आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 18 × 36, 5 × 10, तो ये आपको वी कितना मिल रहा है यहाँ पर, 10 मीटर पर सेकंड मिल रहा है, ओके। और ये जो बाइक चला रहा है इसका एंगल ऑफ लीन एंगल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, वो कितना है, देखिए 45 डिग्रीज है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है 45 डिग्रीज, और जी की वैल्यू और टेन 45 भी आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको आर निकालना है, तो सिंपली कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, आपको टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेन 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर आपको पुट करना होगा 1, ओके। देखिए यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी कितना है, देखिए यहाँ पर 10 आया हुआ है ना, तो 10 का क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 डिवाइडेड बाय आर इंटू जी की वैल्यू आपको 10 प्रोवाइड की गई है यहाँ पर, ठीक है, ओके। सो आर अगर हम उधर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आर इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 मिलेगा आपको सिंपली। सो आर इज इक्वल टू वॉट, 10 मीटर, ओके। तो ये जो रोड है इस रोड की रेडियस कितनी होनी जरूरी है, ये होनी चाहिए 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, करेक्ट सी होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर होगा सी। एक और क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या, देखिए अ रोड इज 10 मीटर वाइड, ठीक है, मतलब जो रोड है ये रोड की विड्थ कितनी है, देखिए यहाँ पर 10 मीटर है, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर, मतलब उसकी रेडियस कितनी है 50 मीटर, मतलब ऊपर से देखने पर अगर ये रोड ऐसे दिख रहा है, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है 50 मीटर है, ओके। आगे पढ़िए, द आउटर एज इज अबव द इनर एज बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, मतलब ये जो रोड है ये हॉरिजॉन्टल रोड नहीं है, बैंक किया हुआ रोड है, और बैंक रोड में ये आउटर एज है, ये इनर एज है। तो आउटर एज जो है, देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, ठीक है, तो आउटर एज जो है ये ऊपर है और इनर एज नीचे है, और आउटर एज कितने हाइट से ऊपर है, देखिए ये कितना है, ये है यहाँ पर 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर है, ठीक है। और रोड की विड्थ कितनी है, रोड की विड्थ जो है वो यहाँ पर दिखेगी ना, तो ये 10 मीटर है, ये आपको मिलेगा यहाँ पर 1.5 मीटर। अब क्या क्वेश्चन है, देखिए दिस रोड इज मोस्ट सुटेड फॉर अ वेलोसिटी, मतलब ये जो रोड है इस रोड के ऊपर की मोस्ट सुटेड वेलोसिटी मतलब क्या, कि मोस्ट सेफ स्पीड आपको निकालना है, ठीक है। तो मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन थीटा, ठीक है, ओके। और जी की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी निकालने के लिए दोस्तों आपको ये चीज़ निकालनी होगी, ठीक है, ओके। तो ये इसमें सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है, ओके। तो सिंपली देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 50, तो ये 50 हो गया, जी की वैल्यू 9.8, ओके। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें ये थीटा है, और टैन थीटा कैसे निकालोगे, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, और अपोजिट साइड आपको पता है, एडजेसेंट साइड आपको यहाँ पर नहीं पता है, ठीक है। तो एक तो आपको पाइथागोरस का यूज़ करके इसको निकालना होगा, फिर टैन थीटा निकालना होगा, लेकिन सबसे आसान तरीका बताता हूँ, ये जो एंगल होता है ये हमेशा बहुत छोटा होता है, और उसके लिए जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है, ओके। अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो टैन थीटा और साइन थीटा इक्वल होंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा आपको पता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड कितनी है 1.5, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर 10, तो आपको टेन थीटा मिल चुका है यहाँ पर 1.5 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर ही 1.5 डिवाइडेड बाय 10 आपको मिल जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर ही जाएगा, ओके। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, और 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होगा, देखिए 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होगा, ये आपको मिलेगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 49 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 आपको यहाँ पर मिलेगा ये 73.5, और 73.5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आपको ऑप्शंस देखने होंगे, यहाँ पर ऑप्शंस देखिए क्या है,
तो 73.5 का स्क्वायर 2.5 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 2.5 का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर 4 और 9 के बीच में होगा ना। ठीक है, वैसे ही है, देखिए 4 का स्क्वायर कितना है 16, 5 का स्क्वायर कितना है 25, तो इसका स्क्वायर 16 से लेके 25 के बीच में होगा। वैसे दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर कितना है 36, 7 का स्क्वायर 49, तो इसका जो स्क्वायर है वो इन दोनों के बीच में होगा। तो ये तीनों आंसर्स नहीं हो सकते, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 73.5 का स्क्वायर रूट ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 8.5, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, इसी कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल है। द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर अ रेलवे ट्रैक इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/16। तो यहाँ पर देखिए एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक मतलब जो है क्या होता है, देखिए यहाँ पर रेलवे ट्रैक मतलब क्या होता है, अगर ये हॉरिजॉन्टल रेलवे ट्रैक है तो यहाँ पर एक रेल दिखेगी आपको, यहाँ पर एक रेल दिखेगी ऐसे। ओके, लेकिन ये जो रेलवे ट्रैक है उसको एंगल ऑफ बैंकिंग दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे दिखेगा रेलवे ट्रैक, ये और ये एक रेल। ठीक है, ओके, और एंगल कितना है, ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/16, इतना एंगल है ये। ठीक है, ओके, अब आगे पढ़िए। इफ़ इट इज़ अ मीटर गेज रेलवे लाइन, मतलब ये मीटर गेज रेलवे लाइन का मतलब क्या है कि ये जो रेल होता है और ये जो रेल होता है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 1 मीटर होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या पता करना है, देन द एलिवेशन, एलिवेशन मतलब कितना उठाया है ऊपर, कितना एलिवेट किया है। ठीक है, ऑफ द आउटर रेल अबव द इनर रेल इज, मतलब ये आउटर रेल इनर रेल से कितनी ऊपर है ये आपको पता करना है, एच वैल्यू आपको पता करनी है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, देखिए क्या है। अब क्योंकि दोस्तों थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/16 है, तो साइन इधर आने के बाद क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/16 मिलेगा। ठीक है, ये साइन को हमने इधर लिया तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/16 मिलेगा। और अगर ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा यूज़ करते हो तो आपको क्या मिलेगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, और अपोजिट साइड कितनी है, एच, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 मीटर। और क्योंकि आंसर हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में निकालना है तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ओके, तो सेंटीमीटर क्या होगा यहाँ पर देखिए, सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100, तो एच अपॉन क्या होगा यहाँ पर 100। ओके, तो सिंपली साइन थीटा का ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इसको हम इक्वेट करते हैं और एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एच अपॉन 100 इज इक्वल टू वॉट, 1/16, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 100 को उधर भेजने के बाद ये हो जाएगा 100/16, और 100/16 क्या होगा, देखिए 16 6 96। ओके, और ये मिलेगा आपको, देखिए बचा कितना 4 पॉइंट लिया आपने, 16 2 32, बचे 8 16 5 जा, तो ये आपको मिलेगा 6.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 6.25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये एंगल ऑफ बैंकिंग वाला जो कंसेप्ट है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोनिकल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।